तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहले प्लास्टिक का जो आखिरी टॉपिक है, वो आखिरी रिएक्शन है, वो मुकम्मल करके आपको फिर हम पढ़ाएंगे नई इंडस्ट्री जो हमारे कोर्स में है, फर्टिलाइजर और ग्लास। जी बेटा, तो देखिए जी, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिक बना के दिखा रहा हूं। इसका नाम है परस्पेक्स। ये बच्चों ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है परस्पेक्स, और ये हम बनाते हैं जिस कंपाउंड से, उसका नाम है मिथाइल मिथिक्राइलेट। और ये उसका स्ट्रक्चर आपको कल बना के दिखाया था। ये ईस्टर है बच्चों, ईस्टर है ये। इसका नाम है बच्चों मिथाइल मिथ एक्राइलेट। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, MMA, ममा, इसको शॉर्ट में कहते हैं। अब बच्चों इस पूरे मोनोमर को ब्रैकेट में करेंगे, उससे पहले एन लगा देंगे, और बच्चों एज इट इज मोनोमर जो है वो यहां बना लेंगे। बच्चों ये हम लोग पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसके अंदर मोनोमर सेम है, ऐसी पॉलीमराइजेशन को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब ये मोनोमर एज इट इज बना लो बच्चों, यहां पर सिर्फ डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के दरमियान है उसको बेटा आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। ये देखें जी, थोड़ा इधर हो गया यार। इसको बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में करके इसके नीचे एन लिखना है। अब देखो बच्चों, यहां डबल बॉन्ड था ना, वो खत्म कर दिया, तो एक वैलेंसी यहां पे एक्सटेंड करके दिखाएंगे, एक वैलेंसी यहां पर एक्सटेंड करके। ये क्या बना, ये बना प्यारे बच्चों पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, PMMA या परस्पेक्स। और इसके बनाए जाते हैं पी ममा, इसको कहेंगे पी ममा, और इसके बनाए जाते हैं कॉम्स, कंगा और हेयर ब्रश, कंगा और हेयर ब्रश इसका बनाया जाता है। तो बच्चों जल्दी से इसको कॉपी कर लें, ये हमारी पहली इंडस्ट्री हो गई है। अब दूसरी इंडस्ट्री आपको कराएंगे। स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग के साथ में कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा और हम अपनी नई इंडस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, कुछ स्क्रीन को पढ़ाएंगे, कुछ आपको जो है वो लेक्चर देंगे बोर्ड के ऊपर। तो आप सब लोग अपने पास हेडिंग लगा लें जनाब, हमारी नई इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स की हेडिंग लगा लें।
मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी सेकंड इंडस्ट्री की हेडिंग लगा लें, फर्टिलाइजर्स। बच्चों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री शुरू करने से पहले आप तो हम सबसे पहले चंद बातें बता दें फर्टिलाइजर्स के हवाले से। बच्चों फर्टिलाइजर का जो लफ्ज है वो निकला फर्टाइल से। फर्टाइल के लफ्जी मायने होते जरखेज दर, यानी जरखेज बनाने वाला, फ्रूटफुल बनाने वाला। तो फर्टिलाइजर का उलट होता है स्टराइल, स्टराइल, STERILE, स्टराइल। स्टराइल का मतलब होता है बंजर, जहां पर फल पौधे पेड़ नहीं उग सकते वो जमीन बंजर कहलाती है। हाँ बन सकते हैं लेकिन मतलब बेकार है, फायदा नहीं है था उसका। तो जो फर्टिलाइजर्स क्या है आइए आप उसकी डेफिनेशन बताते हैं। थोड़ा सा आपको बच्चों रीड करके सुनाएंगे, तवज्जो के साथ सुनिएगा। एग्रीकल्चर हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री नोन टू मैन। बच्चों ज़राअत की जो सनत है वो इंसानों को कदीम तरीन इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। The yield of agricultural crops can be increased by introducing fertilizers to the soil. बच्चों जो हमारी फसलें होती है ज़राअत की उनकी पैदावार को हम फर्टिलाइजर जमीन में डालकर वह ज्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। बच्चों पुराने जमाने में 5000 BC से चाइनीज एनिमल मैन्योर को अपने जमीनों को फर्टिलाइजर के तौर पर दे रहे थे। एनिमल मैन्योर क्या होता है? एनिमल मैन्योर यार बच्चों ये जो हमारा लाइव स्टॉक होता है उससे जो हमें लाइव स्टॉक के फेसेस और यूरिन जो हासिल होता है, जो वेस्ट हासिल होता है, वो एनिमल मैन्योर कहलाता है। और ये एनिमल मैन्योर बहुत पहले से खादों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बच्चों बुनियादी तौर पर प्लांट्स को तीन एलिमेंट नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम हेल्दी ग्रोथ के लिए दरकार होते हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स के कंपाउंड प्लांट के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो बच्चों खादों की डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखिए आप यहां से। Fertilizers are chemical substances, mostly inorganic salts, added to the soil to increase the natural fertility of the soil and to make up the deficiency of essential nutrients NPK, nitrogen, phosphorus and potash required for proper, healthy and steady growth. फर्टिलाइजर बुनियादी तौर पर क्या है ये मैं आपको बहुत कुछ समझाता हूं। फर्टिलाइजर्स उर्दू में इनको खादे कहते हैं। वैसे इनका सही जो नाम होना चाहिए ना वो है जरखेज घर। फर्टिलाइजर्स क्या है जी? फर्टिलाइजर्स जो है
सिंथेटिक या नेचुरल हो सकते हैं। सिंथेटिक या नेचुरल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, सिवाय यूरिया के जो ऑर्गेनिक होते हैं। फर्टिलाइजर सिंथेटिक या नेचुरल होते, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते। इनका काम क्या है? इनका बुनियादी काम है इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं, जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं और सॉइल में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और ये जमीन को तीन चीजें देते हैं जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस जो जमीन की जरखेजी को बढ़ाए और जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम प्रोवाइड करे, फर्टिलाइजर कहलाएगा। ये फर्टिलाइजर की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों फर्टिलाइजर की आपको बढ़ाएंगे इंपॉर्टेंस। फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस, मतलब फर्टिलाइजर्स की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, मतलब सबसे पहली इंपॉर्टेंस फर्टिलाइजर की क्या होती है? मतलब फर्टिलाइजर्स जमीन की नेचुरल फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी बूस्टर, जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, प्रोवाइड्स एडिशनल न्यूट्रिएंट्स और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटेन द सॉइल पीएच, जमीन की पीएच को बरकरार रखते हैं, जमीन की पीएच को बरकरार रखते हैं एट न्यूट्रलिटी और स्लाइट अल्किनिटी, यानी जमीन की पीएच या तो न्यूट्रल रखते हैं राउंड अबाउट 7 या 7 के करीब करीब रखते हैं 8, यानी ये जमीन की पीएच को 7 से 8 तक बरकरार रखते हैं। बच्चों अगर जमीन की पीएच 3 से कम हो या जमीन की पीएच 10 से ज्यादा हो तो ऐसी जमीन को बंजर कहते हैं और वहां पे प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। तो ये है बच्चों फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस। बच्चों हमारी बुक में तो फर्टिलाइजर बहुत छोटा सा दिया हुआ है। तो बच्चों एनी क्वेश्चन इन हियर? तो आगे चलो बच्चों। तो सर हमें डिसएडवांटेज इस कोर्स में नहीं है, लेकिन बता देता हूं आप कहते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो फर्टिलाइजर्स का ये है बच्चों
जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उसमें से बहुत से फर्टिलाइजर्स टॉक्सिक होते हैं, और ये टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स बच्चों प्लांट्स के फ्रूट पर सीड पर लग जाते हैं, और जिसके नतीजे में वो जब ये फल और फ्रूट हम खाते हैं तो ये टॉक्सिक हमारी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात बच्चों, फर्टिलाइजर बहुत एक्सपेंसिव है, इसी तरह बच्चों अगर हम फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बच्चों लीचिंग हो सकती है जमीन से फर्टिलाइजर्स की रिवर्स में, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब बच्चों आपके साथ इसकी रिशेयर की जाएगी और आगे पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए ये बच्चों बहुत सारी चीजें, देखें एक हेडिंग है एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर दैट इज नॉट इन अवर कोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको सुन लें। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें बल्क में चाहिए होते हैं, 5 kg से 200 kg पर एकड़। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन शामिल है। जबकि बच्चों दूसरे माइनर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, मिलीग्राम के ग्राम्स में, 6 grams to 200 grams पर एकड़। इनमें जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सोडियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन वगैरह शामिल है। बट मेन एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, NPK, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन बच्चों न्यूट्रिएंट्स हमारे कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बच्चों दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और नेचुरल फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या सिंथेटिक और मिनरल फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल से हासिल होते हैं, क्या बच्चों इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं। एनिमल मेन्योर और फीसिस यानी जानवरों का पेशाब पखाना खादों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों 4 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हासिल करने के सोर्सेज है। पहला कहलाता है एग्रीकल्चरल वेस्ट, लाइव स्टॉक मैन्योर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड म्यूनिसिपल स्लज। ये चारों चीजें हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं बच्चों जो कि हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, सॉरी इंडस्ट्री में बनाते हैं, रॉ मटेरियल से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में वो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए दरकार होते हैं, लेकिन ये जो केमिकल्स हैं वो हम केमिकल तरीकों से बनाते हैं। इनकी 3 क्लासेस होती हैं, नाइट्रोजीनस, फॉस्फेटिक एंड पोटाश। बच्चों इक्वेशन पे मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं फर्टिलाइजर्स की चाय। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, बच्चों फर्टिलाइजर्स जमीन की जरखेजी को बढ़ाने वाले इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। दो तरह के ये होते हैं, पहली टाइप को कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहां से हासिल होते हैं, ये बच्चों प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में मेजर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी एनपीके नहीं होता। तो एनपीके के लिए खाद आपने डालनी पड़ेगी, रिच इन माइनर न्यूट्रिएंट्स। इनकी एग्जांपल क्या है? इनकी एग्जांपल है एनिमल फीसेस, एनिमल फीसेस एंड एनिमल यूरिन। और इन दोनों को मिला के कहते हैं मेन्योर। जबकि जो दूसरी टाइप जो है वो कहलाती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं बच्चों जो कि मिनरल सोर्सेस से बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल पैमाने पर। दे प्रोवाइड एनपीके, दैट इज द मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये तीन तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स, दूसरी टाइप को कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, और तीसरी टाइप को कहते हैं पोटाश फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फॉस्फोरस, और पोटाश फर्टिलाइजर पोटाशियम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो जो पोटाश फर्टिलाइजर्स हैं वो पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं है, क्योंकि पोटाशियम जो है वो पाकिस्तान में पोटाशियम का कोई अच्छा नेचुरल सोर्स डिस्कवर नहीं हुआ। लेकिन बच्चों नाइट्रोजीनस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में पाकिस्तान ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है। इतनी ज्यादा खादे बनाते हैं लेकिन ये खादे हमारे ही किसानों को अवेलेबल नहीं है। तो ये बच्चों क्लासिफिकेशन का चार्ट आपके लिए। अब हम आपको नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स पढ़ाएंगे स्क्रीन पर। पहले आप ये कॉपी कर लें। शेयरिंग मुदीबा, हमारे बायोकेमिस्ट्री के तीन टॉपिक रह गए हैं और केमिक और हमारे डी ब्लॉक के भी तकरीबन चार या पांच टॉपिक रह गए हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ और यहां पर हम आपको इम्पोर्टेंट नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर आपको पढ़ाएंगे। तो गौर से सुनो बच्चों, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स प्लांट की ग्रोथ के लिए दरकार होते हैं। बच्चों नाइट्रोजन अर्ली स्टेजेस में दरकार होता है रैपिड ग्रोथ के लिए, खुसूसन स्टेम और लीव्स। भी तो सब होगी, आप बेफिक्र रहिए। पहले आप यहां पर जो टॉपिक चल रहे हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करें। बच्चों नाइट्रोजन प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है और बच्चों ये लीव्स को ग्रीन कलर देता है और ये प्लांट की यील्ड और क्वालिटी को बढ़ाता है। इसी तरह बच्चों नाइट्रोजन क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बैलेंस प्रोड्यूस करता है।
ये बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर है, इनके नाम है अमोनिया, यूरिया और कार्बामाइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम साइनामाइड। इनमें बच्चों नाइट्रोजन की परसेंटेज आप जहन में रखिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की बच्चों अमोनिया में है, 82.4%। लेकिन सॉलिड किसी फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया में होती है। ये परसेंटेज है बच्चों जो कि फार्मूले के जरिए निकाली गई है, ये इम्तहान में ब्लैंक्स में आती है। इनके सिर्फ आपको नाम फार्मूले याद कर रहे हैं। मैं आपको बोर्ड के ऊपर इनके फार्मूले लिख के दिखा देता हूं किस तरह से लिखते हैं, ताकि आपको फार्मूले याद करने में प्रॉब्लम हो। स्टूडेंट्स अब आप बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले बच्चों अमोनिया को तो आप जानते ही हैं सबको, ये लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन पहुंचो, उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 82.6 है, इट्स वेरी हाई। बच्चों ये याद रखिए कि यूरिया कभी भी अर्ली स्टेज में नहीं देंगे आप, वरना ये प्लांट की जो सीडलिंग्स है उनको जला देगा। यूरिया को देखें बच्चों, यूरिया का फार्मूला आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में ऑर्गेनिक पढ़ाया था, NH2 टेकिंग टू ICO। इसके अलावा बच्चों यूरिया या कार्बामाइड ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड आपको मालूम है, हाँ, कितना 46.6% नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के नाम आपको बच्चों आने चाहिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है अमोनियम फॉस्फेट, इसका फार्मूला जरा देख ले, ये थोड़ा मुश्किल है। अमोनियम फॉस्फेट NH4, मतलब फॉस्फेट का फार्मूला होता है PO4। इसका चार्ज होता है 1+ और इसका चार्ज होता है 3-। तो बच्चों इसको क्रॉस कर दीजिए चार्जेस को, तो फार्मूला बनेगा NH4 3 PO4 और रेशो इनकी बनेगी प्यारे बच्चों 3:1 फार्मूले में रेशो बनेगी। इसमें बच्चों नाइट्रोजन 28% है, एक और बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है कैल्शियम साइनामाइड, तो ये भी फार्मूला इसका देख लें क्योंकि ये फार्मूला आपको नहीं पता इसका। कैल्शियम साइनामाइड बच्चों ये कैल्शियम का सिंबल है और ये साइनामाइड का सिंबल है। कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और साइनाइड की 1, ये क्रॉस कर देंगे तो फार्मूला क्या बना, CaCN2 CaCN2। ये थोड़ा सा इसके अंदर 19% जो है वो 19% इसके अंदर बच्चों नाइट्रोजन मौजूद है। इसी तरह बच्चों एक और है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट Yeah.
अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का सिंबल होता है NH4 और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। चार्जेस बच्चों लिखिए और फिर उसके बाद चार्जेस को क्रॉस कर दीजिए तो फार्मूला बना NH4 taking twice SO4 2:1 की रेशो बनी। और इसमें बच्चों नाइट्रोजन की परसेंटेज है 21.2%, 21.2% नाइट्रोजन। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से। अब बच्चों मैं आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पढ़ाऊंगा और फिर इस टॉपिक को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। इम्कान तो ये नहीं है कि अभी हो जाएगा, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग बोर्ड में देखें, पर स्क्रीन के ऊपर देखिए, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है और हम आपको पढ़ा रहे हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जमीन में फॉस्फोरस को प्रोवाइड करते हैं। जो फॉस्फोरस प्लांट्स की अर्ली ग्रोथ में दरकार होता है, खसूस जब रूट बन रही होती है, रूट फॉर्मेशन में फॉस्फोरस दरकार होते हैं। इसी तरह बच्चों लेटर स्टेजेस में जब सीड बनता है, फ्रूट बनता है, जब फ्रूट पकता है, राइपनिंग होती है, तब भी फॉस्फोरस दरकार होता है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ये प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है। फास्फोरस की मौजूदगी की वजह से प्लांट को बीमारियां नहीं लगती, फंगस नहीं होता, कीड़े और सुंडियां जो है वो दूर रहते हैं प्लांट से। बच्चों फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है हमारे पास तीन है, जिनके नाम है कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट एंड डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। बच्चों ये तीनों फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सेम है और उसका नाम है रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोराइड। और ये सारी बातें आपको एक चार्ट की शक्ल में मोड़ के समझाते हैं। बच्चों फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जमीन में फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फोरस अर्ली ग्रोथ और लेटर स्टेजेस में दरकार होता है प्लांट को। इसी बात फॉस्फोरस प्लांट को जो रेजिस्टेंस होती है बीमारियों के खिलाफ उसको बढ़ाता है। और चौथी बात रॉ मटेरियल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का वो सेम है और उसका नाम है फॉस्फोराइट या रॉक फॉस्फेट। और इसका फार्मूला होता है Ca3PO4 taking twice। अब एक सवाल जहन में यहां पर ये उठता है कि हम डायरेक्ट इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते एज ए फर्टिलाइजर, तो बताएं क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको हम, हालांकि इसमें फॉस्फोरस मौजूद है, क्या जरूरत है इसको किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करने की? जी जल्दी जल्दी से बताइए क्या हुआ। कैल्शियम है, कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट है उधर, कोई बात नहीं, अच्छा है,
जवाब इसका है कि हम फॉस्फोराइड को एज ए फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, जबकि फर्टिलाइजर लाजमी तौर पर वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर तीन तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, दूसरी टाइप को कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट और तीसरी टाइप को कहते हैं डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। जो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट जो है वो दो चीजों का मिक्सचर है, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और जिप्सम का मिक्सचर कैल्शियम सुपर फॉस्फेट कहलाता है। ये कहलाता है कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और ये कहलाता है जिप्सम। इन दोनों का मिक्सचर कैल्शियम सुपर फॉस्फेट कहलाता है। ये जमीन में 18% फास्फोरस P2O5 की शक्ल में देता है, जबकि ट्रिपल फॉस्फेट कैल्शियम